है कि हमें साफ ईंधन की बहुत जरूरत है हर सेक्टर पे। तो अगर इंडस्ट्री है, अगर घर पे हम खाना पका रहे हैं, गाड़ियां हैं, हर जगह हमें साफ ईंधन लाना पड़ेगा। पर साफ ईंधन के लिए उसको, उस साफ ईंधन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे नेचुरल गैस है, उसको आपको बढ़ाना है। पर अगर उसका इस्तेमाल को आपको भी देखना होगा, तो उसकी प्राइसिंग को आपको देखना होगा कि वो गंदे ईंधन से वो चीप हो। तो ये एक ईंधन, जो एक साफ ईंधन और टेक्नोलॉजी है, इस पर हमें गौर करना होगा हर सेक्टर के लिए। दूसरी बात है, जो गाड़ियों की बात हो रही है आज, वहां पे जो निजी गाड़ियों के ऊपर जो निर्भरता बन रही है पूरे देश में, उसको कम करना होगा। और उसके लिए हर शहर में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रैटेजी, पैदल यात्री, साइकिल यात्री के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना, और निजी गाड़ियों के ऊपर रोक, क्योंकि अब इतनी आसानी से अगर हम निजी गाड़ियां चला सकते हैं कि हम पार्किंग के लिए पैसे नहीं देंगे, रास्ता इस्तेमाल करने के लिए, और जो पोल्यूशन कंजेशन हो रहा है उसकी कोई प्राइसिंग हमारे को नहीं लगाया जाएगा, तो हम कभी भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आगे जाती है शहर में, हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। और तीसरी जगह है कि जो जो गंदगी हमारे शहर में है आज, तो ये जो वेस्ट जो जेनरेट हो रहा है हाउस होल्ड में, इंडस्ट्री में, इसको हमें सेग्रीगेट करना है, इकट्ठा करना है, और देखना होगा कि ये वेस्ट से हम कैसे फिर से ये वेस्ट को हम एज ए रिसोर्स हम वापस लाएं, रिकवर और रिसाइकलिंग करें, और लैंडफिल की जो जरूरत है उसको खत्म करें। और लैंडफिल में अभी जो गंदगी पड़ा हुआ है उसको हम वहां से हटाएं, उसे रास्ता बनाएं, या कुछ कई तरीके हैं उसको रेमिडिएट करने के लिए वो किया जाए, ताकि ये जो गंदगी को एक जलाने वाली बात है, उस वो सिलसिला को हम पूरा एकदम खत्म करें। और तीसरी है, जहाँ पे धूल की बात होती है, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन आज, इतनी शहरीकरण हो रही है हमारे देश में, उससे जुड़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन, रोड्स और फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स। तो ये यहाँ पे जो टेक्निक्स हमें अपनानी है कि वहाँ पे धूल को हम कैसे खत्म करें, तो यहाँ पे सिर्फ धूल सिर्फ रास्ते पर ही नहीं, पर उसके साथ साथ एक ग्रीनिंग की एजेंडा है, एफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन, ये सब को हमें एक साथ लाना है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को ठीक से करें, बड़े पैमाने से करें हर जगह, तो फिर बात बन सकती है।